यूपी इलेक्शन से पहले बीजेपी में भागम भाग, मंत्री धर्म सिंह सैनी और विधायक विनय शाक्य का भी इस्तीफा। यूपी भाजपा में संकट थमता नहीं दिख रहा है। गुरुवार को दूसरा जबकि अब तक आठवें भाजपा का इस्तीफा आ गया है। ओरिया से बिधुना विधायक विनय शाक्य ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं सोशल मीडिया पर योगी सरकार में आए भोचाल को लोग अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं और अमित शाह ट्रेंड कर रहे हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद लिखते हैं, भाजपा में जाकर बेईमान ईमानदार हो जाता है और सपा में जाकर सांप्रदायिक भी सेक्युलर हो जाता है। वोटर कल भी ठगा जाता था, आज भी ठगा जाता है। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं, आज का स्कोर, दो विधायक एक मंत्री का विकेट और गिरा, हैशटैग बाबा तो गयो। पत्रकार पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं, आज अमित शाह ने बीजेपी कार्यालय में अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल के साथ बैठक की है। अमित शाह ऐसे नेताओं से तो कभी मिलते नहीं थे, लेकिन अब मजबूरी है, अगर मिलकर सम्मान ना दिया तो नैया डूबनी तय है। पत्रकार रणविजय सिंह ने लिखा, योगी सरकार के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी भी निकल लिए, बीजेपी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है और आयुष विभाग भी खाली हो गया। कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लिखते हैं, नाग रूपी आरएसएस एवं सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके ही दम लेगा। महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखते हैं, आज का डायलॉग। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि यूपी चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।